अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पाइप गया हुआ है और पीने का भी पानी की लाइन गई होंगी और इतनी गंदा पानी आ रहा है, पानी पूरा का पूरा भरा हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक तो घर में जा रहा है, ये 1200 घर में जा रहा है पानी। तो मेरा ये निवेदन है कि जहां चीज जहां ये स्थिति है उसको तो प्राप्त परिषद की बैठक होने के पहले कुछ ड्रम लेके आए थे और कुछ कुछ कंडे के लिए शमशान को लेकर नाराज की थी और एक पार्षद परिषद हॉल में नीचे जमीन पे बैठ गए थे। क्या कहना है आपका और क्या मामले थे? देखिए वो पार्षद कहीं उनकी समस्या थी पानी की और इसलिए वो उनकी बात रखने का कहीं तरीका था वो कि वो ड्रम लेके आ गए थे। बाकी हम लोगों ने उनसे बताया, उनसे बात करी कि नहीं ये सारी चीज़ें सब बाहर करें और उनकी बात उन्होंने पिकअप करी और बहुत अच्छे से आपने देखा होगा यहाँ पे कि बड़े व्यवस्थित तरीके से अधिकारियों ने भी जवाब दिया और उनको काम करने के लिए आश्वस्त किया है। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने अधिकारियों से उनकी जो पानी की समस्या थी, 4 वार्डों की समस्या थी, तो अभी बात करी और निश्चित तौर पर ये काम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक महिला पार्षद आके परिषद हॉल में नीचे बैठ गई थी, आपने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर करी। नाराजगी जाहिर करी और बिल्कुल अगर जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, अगर अधिकारी के द्वारा जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया है और वो इतनी असंतुष्ट थी तो उनका पक्ष लेके मैंने अधिकारी को बिल्कुल हिदायत की है और इस मामले में वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, क्योंकि देवास पूरा हम लोगों का देवास है, हम जनप्रतिनिधि हैं और उनका बिल्कुल ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट पर बात हुई और सभी पार्षद संतुष्ट हुए। लेकर टोटल 45 वार्ड में आप कुछ नया यूनिक गार्डन लेकर कुछ आपने बताया? जी हाँ, ये हमारी आप हमारी विधायक जी से भी और आपस में हम लोगों की ये चर्चा हुई थी कि जिस समय में हम ऐसा चाहते हैं कि विजन है कि देवास में कम से कम एक वार्ड में एक ऐसा यूनिक गार्डन हो जिसमें एक देखिए गार्डन आज आप देखेंगे जब आप इंदौर से देवास आते हैं और जब आप स्पोर्ट्स पार्क देखते हैं तो हर कोई एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। इसी तरीके से ये जो शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्पोर्ट्स पार्क, वैसे ही हर वार्ड को एक गार्डन जरूर रिप्रेजेंट करे। तो जिन वार्डों में अगर गार्डन्स हैं उसमें से आगे पीछे एक एक चिन्हित करके जोन वाइज हम टेंडर लगाएंगे और उन गार्डनों को पिछले परिषद में भाई साहब पेकी प्लाट की देवास की बड़ी समस्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुले मंच से घोषणा करके गए थे, पिछले परिषद की बैठक में प्रस्ताव भी पारित हो गया था, आगे जाया था, क्या प्रोसेस है? देखिए यहाँ से प्रस्ताव बनके हमारी इस परिषद के पहले ही जा चुका है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी दी और वो निश्चित तौर पर आगे होगा काम दे चुके। एक परिषद या दो परिषद, 30 परिषद, तीसरी परिषद हो गई आज, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के अधिकार के खिलाफ नाराजगी दिखी है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि तीसरी परिषद तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? बढ़िया बात बोल रहे हो आप। जब संवाद होते हैं या नाराजगी व्यक्त होती है या कोई रिएक्शन आता है, इट मीन्स कि काम हो रहा है, जनप्रतिनिधि भी उसके काम में लगा हुआ है और अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो जनप्रतिनिधि नाराज हो रहा है, मतलब वो चाहता है कि अधिकारी काम करें। इसमें आखिरी में जनता का ही फायदा है, जनता के लिए काम कर रहा है। आपने भी नाराजगी जाहिर करी कि हाँ सही में अधिकारी काम नहीं कर रहा है। अधिकारी यदि काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर परिषद में उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर दूंगा मैं, ये मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है देवास नगर निगम काम नहीं कर रही और अधिकारी पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। अभी आप सर्वेक्षण में भी रिजल्ट देखेंगे, सर्वेक्षण हमारे हो चुके हैं और बहुत कुछ ये भी कह सकता हूँ। आखिरी सवाल थी देवास में 5-स्टार रेटिंग, देवास को 5-स्टार रेटिंग मिल सकती है, देवास उससे सुनिश्चित हो जाएगा कि अधिकारी काम कर रहे हैं, देवास के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। भैया आखिरी सवाल, अंतिम संस्कार का शमशान को लेकर कंडा दिखाकर रेट को लेकर नाराजगी जाहिर की पार्षद? नाराजगी नहीं है वो, उसको नाराजगी नहीं बोलेंगे अपन, ये बोलेंगे कि उन्होंने भी उस चीज़ पे एक उनकी दूरदर्शिता थी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन और मैं खुद भी शमशान में गए थे और निरीक्षण किया था, उस समय पे हमको सब कुछ सही दिखा था वहाँ, जो गलत दिखा था उसके निर्देश दिए थे। पर अगर कोई भी ठेकेदार इस तरीके की सप्लाई में कहीं इस तरीके की पावन जगह पर भी या कहीं पर भी सप्लाई में अगर थोड़ा भी मैनिपुलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यही यहाँ पे सुनिश्चित किया।